हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे XUV 700 आई हुई है और ये उसमें ऑटोमेटिक वर्जन है, AX7 है, लग्जरी पैक है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आज हम लोग करने वाले हैं एम्बिएंट लाइटिंग का काम, जिसके लिए डोर पैड अभी पूरे खोले जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, ये पूरे डोर पैड जो है अभी ओपन हो रहे हैं। इस तरीके से पूरे ओपन हो जाते हैं डोर पैड्स, और फिर इसके अंदर जो काम होता है EL वायर का इंस्टॉलेशन का काम होता है। इसके साथ ही साथ पूरी वायरिंग होती है गाड़ी के अंदर। एक और चीज़ लगाने वाले हैं यहाँ पे, ये हम आपको दिखाते हैं। ये XUV 700 की फुट स्टैप है, ओरिजिनल जो कंपनी आपको देती है, महिंद्रा की है ये। और ये भी इसके अंदर अभी हम इंस्टॉल करेंगे, और दोनों चीज़ों से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रिस्पांस गाड़ी देती है, किस तरीके से जो एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी के अंदर दिखने वाली है। कॉम्बो पीस लगा रहे हैं 9 पीस, जिसके अंदर आपको डोर पे भी एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, और जो फुट स्टेप वाला एरिया होता है यहाँ वाला, इधर भी एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। साथ ही में फुट स्टेप लगाएंगे जो कि महिंद्रा की आई हुई है। तो आइए पूरा काम इसका शुरू करते हैं। डोर पैड्स ओपन हो ही गए हैं, इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग लगाते हैं, फिर हम आपको इसका रिस्पांस चेक कराएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो EL वायर है पूरा इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। एक गेट के अंदर हमने इस तरीके से कुछ इंस्टॉल होता है, इसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है, ऑप्टिकल फाइबर वायर कहते हैं इसको। यहाँ पे अभी ये दूसरे गेट के अंदर पूरा इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा जब ये पूरा एम्बिएंट देगा गाड़ी के अंदर। और इस तरीके से इसको लगाया जाता है कि इसके अंदर लाइट पूरी अच्छे से ट्रैवल करे। बिल्कुल सीधे सीधे लगाते हैं ताकि बहुत अच्छा आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर देखने को मिले। और जो इसके अंदर से एम्बियंस निकलता है, बहुत प्यारा एम्बियंस निकलता है। और कोशिश करते हैं इसको जितना सीधा रखें उतना अच्छा एम्बियंस इसमें से निकल के आता है। बिल्कुल एक सिमेट्री जैसा जो एम्बियंस होता है वो पूरा बनकर आता है। यहाँ पर यह पूरा फिट होने वाला है, और इसके बाद अगले डोर पैड्स पर हम काम करेंगे। जब पूरा हो जाएगा तो एक कंसोलिडेटेड वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से गाड़ी के अंदर जो है एम्बिएंट लाइटिंग इसमें वर्क करती है। तो यहाँ पे गाड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आइए ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या काम किए हुए हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो जो XUV 700 की बैजिंग है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। पीछे भी हम आपको दिखाते हैं इसमें, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये चारों गेटों में पूरी इंस्टॉल हो चुकी है, काफ़ी सुंदर लगती है गाड़ी के अंदर भी आपको ये दिखती है। इसी के साथ ही यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग हमने लगाई हुई है पूरी गाड़ी के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं अभी। ये आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें हमने जो है नीचे साइड में भी पूरा आपको एम्बियंस मिल रहा होगा, और यहाँ पर आपके डोर पैड्स में भी पूरा एम्बियंस मिल रहा है। काफ़ी अच्छी लगती है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एम्बिएंट लाइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट होने के कारण काफ़ी अच्छी लाइटिंग का एम्बियंस जो है इसके अंदर आता है। अब हम आपको इसके कलर वगैरह जो चेंज होते हैं वो हम करके दिखाते हैं। तो आइए मोबाइल लेते हैं हम भैया से, और किस तरीके से इसके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐप के थ्रू पूरा चलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्रीन हो गया है, रेड हो गया है, पर्पल, पिंक, लगभग हर कलर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से भी आप चेंज करना चाहेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और कलर मोड आपको मिल जाएगा देखने को। इसकी ब्राइटनेस को आप अप और डाउन दोनों कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको इसकी ब्राइटनेस को जो है कम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा, आप दोनों ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे। और इसके बाद आता है इसमें साउंड का ऑप्शन आता है, जिससे ये जो है ये साउंड पर भी वर्क करने लगती है। तो एक हम आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउंड आउटपुट पे भी इस तरीके से वर्क करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर पूरा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। हमने आपको इसका एम्बियंस भी दिखाया किस तरीके से एम्बियंस चेंज होता है, कलर चेंजिंग होती है। तो ये था कुछ इस गाड़ी का वीडियो। बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तरह हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।